तो गाइस कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग रैंक पुशिंग कमेंट करके ज़रूर बता देना। फिलहाल आज का दिन जो था ना भाई, आज के दिन पे जो BGMI में जो ड्रैगन बॉल जी वाला इवेंट था ना, वो ख़त्म हो चुका है, पूरा नॉर्मल अभी आ गया है और शायद आज अपडेट भी आ सकता है या कल आएगा, मेरे को इतना कुछ खास आइडिया नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा। तो फिलहाल देखो ये वाला मोड पर्सनली बोले ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, मतलब नॉर्मल वाला मोड, इसमें मैं ज़्यादा चिकन भी निकाल पाता हूँ, अच्छा सर्वाइव भी कर पाता हूँ। बस सीजन के एंड में ना इसमें थोड़ा प्लस कम मिलता है, पर सीजन के स्टार्टिंग में ना खतरनाक प्लस मिलता है क्योंकि इसमें ही सारे बंदे खेलते हैं, पर जब इवेंट वगैरह आ जाता ना तब इवेंट वाले पे ज़्यादा बंदे चले जाते हैं खेलने के लिए, इसलिए इसमें ज़्यादा प्लस तभी के टाइम पे नहीं मिलता, यही सीन है। तो आज की वीडियो जो है ना होने वाला ना एक पेड बुश का IDP पे मैं खेल रहा था और आज की वीडियो में ना भाई पूरा चिकन लेने का निंजा टेक्निक बताऊँगा इस वाले मोड के बारे में। तो सबसे पहले बात करें गेम प्ले के बारे में, तो यहाँ पर उतरता हूँ, पर थोड़ा सा लूट करने के बाद ना यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं मिलता तो मैं सीधा भागने लगता हूँ और बहुत देर तक मेरे को भागना पड़ता है और फिर जाके मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके मैं बस होल्ड मतलब कर लेंगे सोच रहा था क्योंकि ये जोन का मिडिल था, तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे होल्ड करते और तभी देखता हूँ कि यहाँ पे एक बंदा रहता है जिसका फुटप्रिंट मेरे को आ गया था और यहाँ पे फाइट देखो आप लोग। तो फिलहाल इस वाले भाई को इजी किल कर देते हैं और तभी मेरे को फुटप्रिंट आता है और एक बंदे का, तो ये वाला बंदा ना जो है बॉट निकलता है तो इसको भी किल करते हैं। तो यहाँ पे आने का एक फ़ायदा मिल गया था मेरे को, दो किल इजी मिल गया और बस यहाँ पे थोड़ा सा सर्वाइव करेंगे एंड में जाके किल निकालेंगे, यही सोच के मैं यहाँ पे होल्ड कर जा रहा था पूरा और यहाँ पे जो क्रेट वगैरह था ना उसको भी आराम से लूट लेते और क्रेट लूटते लूटते मेरे को और एक बंदे का साउंड आता है, तो ये वाला बंदा भी जो है ना बॉट भाई निकलता है तो उसको भी किल करते और ईजी यहाँ पर मेरा 3 किल हो गया था। ये वाला मैच काफ़ी अच्छा जा रहा था पर यहाँ पे क्या सीन होता है कि मेरे को कोई गाड़ी नहीं मिला था, तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे होल्ड करते, ये वाला जो मतलब कंपाउंड था ना जोन के एंड में था, मतलब एंड बोलो सॉरी मिडिल पे था, तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करते जो होगा आगे चल के देखा जाएगा। और तभी मेरे को साउंड आता है, एक बग्गी लेके बंदा आता है और इस बंदे के साथ फाइट तो करूँगा पर मेरे पास देखो मैं अभी एंड जोन में ज़्यादा फाइट लेता हूँ, अभी फाइट लूँगा तो बाई चांस कुछ दिक्कत हो जाना, दिक्कत हो जाएगा मतलब माइनस वगैरह लग सकता है, तो इसलिए मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से फाइट वगैरह लेना होगा। तो इसलिए मैं एक अच्छा खासा पोजिशन ढूंढता हूँ कि बंदे को कैसे किल किया जाता है, तो बंदे को जो है ना भाई मेरा लोकेशन पता था उसको, तो आके वो नेट कुक करने लगता है और मैं सोचता हूँ अभी एक अच्छा मौका है, तो यहाँ पे सीधा घुसते हैं और इस बंदे को किल करते हैं। और इस बंदे के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख भरी कहानी बोल सकते कि भाई के हाथ पे नेट था, कुछ कर भी नहीं सकता था, तो भाई को इजी किल कर देते और यहाँ पे मेरा 3 किल हो गया था। अब मेरे को बस सर्वाइव करना था क्योंकि मेरे पास बग्गी भी था और क्योंकि उस भाई ने लेके आया था तो गाड़ी का कमी भी दूर हो गया था, तो इसलिए मैं एकदम बग्गी लेके जोन के आसपास मतलब जोन जब क्लोजिंग हो जाता है ना, मतलब नेक्स्ट जोन जब बनता है ना, तो मैं सीधा निकलता हूँ जोन के अंदर। अभी मेरे को एक अच्छा खासा पोजीशन चाहिए था क्योंकि होल्ड करने के लिए, और यहाँ पे एक यूट्यूबर शायद आया था, पता नहीं क्या नाम था, ग्लेशियर चमका रहा था बहुत ज़्यादा और उसके साथ फाइट होते होते नहीं हुआ, बस आप लोग आगे चल के देख लेना। तो फिलहाल देखो यहाँ पे गाड़ी घुमाते घुमाते ना मैं एक जगह मार्क करके रखा था कि वो वाला एक छोटा सा कंपाउंड होता है तो उधर जाके होल्ड करेंगे, तो फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी घुमाने के बाद ना मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और ये वाला कंपाउंड जो है ना काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि नॉर्मल मूड में, तो यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करते हैं और यहाँ पे देख सकते हो दो दो ग्लेशियर का जो है ना भाई पेटी पड़ा हुआ था, तो मैं सोचता हूँ अभी मेरे पास थोड़ा सा लूट का कमी है, मतलब जो है ना क्या बोलते उसको एक्सटेंडेड वगैरह नहीं है, तो मैं यहाँ पे उठाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि MG3 भी पड़ा हुआ था और MG3 यहाँ पे लेने जाता हूँ तो एकदम ग्लेशियर चमका देता है सामने वाले घर से बंदा, तो मैं सोचता हूँ भाई अभी थोड़ा सा होल्ड करते यहाँ पे नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, तो फिलहाल लूट का मतलब समझ रहे हो ना, तो लूट भी करना ज़रूरी था, तो फिलहाल यहाँ पे लूट कर लेते हैं और उसके बाद पूरा कंपाउंड में जाके ना एकदम होल्ड कर लेंगे पूरा, एकदम होल्ड करके खेलोगे ना तो ही आपको इस जो मोड है नॉर्मल वाला मोड है ना उसमें प्लस निकाल सकते हो, तो इसलिए थोड़ा सा होल्ड करके खेलो। और फिलहाल देखो यहाँ पे तभी मेरे को एक बग्गी का साउंड आता है, और इस वाले भाई को भी इजी किल कर देते, देख सकते एकदम होल्ड करके कैसे मैं किल निकाल रहा हूँ एंड जोन में। थोड़ा सा मतलब आपको कवर वगैरह लेके ना थोड़ा सा सेफ खेलना है और आपको इजी किल मिल जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होता क्योंकि इसमें देखो कोई पावर वगैरह कुछ भी नहीं रहता और रिकॉल भी नहीं रहता, तो आपको थोड़ा सा किल निकालना है नहीं तो भाई प्लस बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो फिलहाल देखो मैं यहाँ पर थोड़ी देर होल्ड करता हूँ, सामने वाले बंदों पर भी थोड़ा सा देखने की ट्राई करता हूँ पर कोई फ़ायदा नहीं होता, और तभी जब जोन क्लोजिंग होने लगता है कुछ ही सेकेंड बाकी रहता है और तभी पीछे से और एक बग्गी का मेरे को साउंड आता है और इस बंदे के साथ थोड़ा सा फाइट यहाँ पर देखो। फिलहाल तो इस वाले भाई का जो बग्गी था ना इसके शायद पीछे के टायर फूटा हुआ था जिसकी वजह से इस भाई को मतलब इसका भाई का जो
बग्गी था ना काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा था, तो इसके लिए इस भाई को ईजी किल कर देते। और मेरे को निकलना था जोन के अंदर, और जोन के अंदर भी एक अच्छा सा पोजीशन भी चाहिए होल्ड करने के लिए। तो देखो कहाँ पे जाके मैं पोजीशन निकालता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे जोन के अंदर एंट्री लेते ही मेरे को ये वाला शैक थोड़ा सा सही लगता है। जोन के एज में भी था और आसपास शायद बंदे भी नहीं था, फिर भी मेरे को डाउट था कि सामने वाले घर पे से मतलब घर पे कोई बंदा होगा तो नेट वगैरह कर सकता है, इसलिए मैं उस साइड देखने लगता हूँ। पर वहाँ पे कोई बंदा नहीं रहता, पर एंड में जाके एक बंदा निकलेगा उधर से, तो एंड का सीन आपको आगे चल के देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करने के बाद ना नेक्स्ट जोन बनने वाला था, मतलब जोन क्लोज इन होने वाला था, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा आगे चलते। और अभी यहाँ पे तीन मतलब दो बंदे अलाइव है, मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा फाइट हो जाए दोनों के बीच में, एक बंदा अलाइव रहेगा तो उसको किल कर सकते, पर फाइट वगैरह तो कुछ होता नहीं है। तो मैं सोचता हूँ मैं ही निकलता हूँ जोन के अंदर, नहीं तो यहाँ पे जोन में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे आता हूँ, और सामने वाले घर पे ना खिड़की से मेरे को बंदा स्पॉट हो गया था कि उसका जो गन था ना वो ग्लिच हो रहा था मतलब वॉल के आर पार। तो मैं बस यहाँ पे देख रहा था बंदा थोड़ा पिक पक ले तो किल करेंगे, और तभी मेरे को पीछे साइड से साउंड आता है कि कोई बंदा मेरे पे फायर वगैरह ले रहा था। और मैं इस भाई को किल करने जाता ही हूँ, तो देखता हूँ सामने साइड से वो मतलब बंदा जो था ना मतलब घर पे जो बंदा था उस बंदे ने AKM से इस भाई को किल कर दिया था। और मैं सोचता हूँ अभी इस भाई के भाई मतलब भाई के पास क्लोज इन करते और नेट वगैरह करते, फाइट वगैरह होगा तो देखते क्या होता है सीन। तो यहाँ पर आप लोग फाइट इन्जॉय करो और एंड में जाके क्या सीन होता है बस आप लोग देखो। फिलहाल तो मेरे पास जितना भी नेड मॉली था ना सब ट्राई कर लेते, पर भाई को कुछ होता ही नहीं है, पता नहीं क्या सीन था। और भाई सब मेरे सामने एक स्मोक कर देता है तभी, और भाई भी क्लोज इन करने लगता है, तो इसको मतलब इस भाई के साथ क्या फाइट होता है बस अब देखो यहाँ पे। तो फिलहाल इसी के साथ इजी एक चिकन डिनर मेरे को मिल जाता है यहाँ पे, तो भाई को वो इजी यहाँ पे MG3 से किल कर देते। और इसके बाद देखो यहाँ पे 7 किल के साथ मैंने चिकन लिया था, और कितना प्लस मिला बस देख सकते हो आप लोग, 20 का प्लस ही यहाँ पे मिले मतलब मेरे को मिला है। और इस मैच के बाद ना कितना रैंक वगैरह हो गया देख सकते हो, 921 के आसपास मेरा रैंक चला गया था आप लोग खुद देख सकते हो यहाँ पे। और इस भाई का अभी भी मतलब शायद 80 या 90 पॉइंट के आसपास बाकी है, देखते हैं कितना दिन मैं कर पाता हूँ। और इसके साथ भी मेरा ID भी मैं पुश कर रहा हूँ, क्योंकि उसको भी देखते हैं कॉन्ग्रा लगा पाते कि नहीं नेक्स्ट मतलब इस सीजन तक। तो जो भी होगा आपको वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही था आज के वीडियो में, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो ना तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारा जो चैनल ना भाई 3K फैमिली कंप्लीट होने ही वाला है, तो थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। तो चलो मिलते फिर से न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।